किस यजमान की तरफ से कौन विप्रजन अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके नामों की प्रथम उद्घोषणा श्री जय प्रकाश व नीरू बंसल जी इनकी तरफ से जो मूल पाठ पितरों के लिए हो रहा है इनकी तरफ से है श्री लक्ष्मण प्रसाद गोस्वामी जी, श्रीमती रितु रमी जी हैं, रितु रमी मलिक जी, इनकी तरफ से है श्री महेश तिवारी जी मूल पाठ कर रहे हैं इनके पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए, श्रीमती मधु बंसल इनकी तरफ से श्री प्रमोद जी शास्त्री जी हैं, श्रीमती दमयंती कुंवर कश्यप इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री राजू शास्त्री जी, श्रीमती कमलेश यादव संजय कुमार इनकी तरफ से शिवम वैष्णव जी हैं, श्रीमती सुधा अग्रवाल गोयल जी इनका पाठ कर रहे हैं मूल पाठ भागवत जी का श्री श्याम सुंदर गोस्वामी जी, भाविका ताहिलरा मानी जी हैं इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री डीबी शास्त्री जी, श्रीमती मुनेश सुदान सिंह कश्यप इनका पाठ कर रहे हैं श्री अवधेश जी, श्री ओम प्रकाश वर्मा जी कश्यप इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री विवेक जी कौशिक, श्री तरु जी इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री विकास जी, श्री राम गोपाल शर्मा जी मेहता इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री राम जी, श्री हर्ष बघेल राम गोपाल जी इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री नागेश तिवारी जी, बालचंद्र बावन राय देशमुख कश्यप इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं दीपक भट्ट जी, श्री अशोक कुमार शुक्ला शंकृत इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री विवेक मिश्रा जी, श्रीमती लक्ष्मी कौल दत्तात्रेय इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री रघुनंदन जी, श्रीमती सुनीता सतीश कश्यप इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री उत्कर्ष जी, श्रीमती तुलसी भुवनेश्वर प्रसाद देवगन इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री गोविंद पांडे जी, सुरेंद्र सिंह इनकी तरफ से श्री दिव्यांशु जी, श्रीमती उषा कांति प्रसाद गुप्ता इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री अनुराग मिश्रा शर्मा जी, श्री राम निवास गुप्ता मित्तल इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री वैभव जी, श्री दीपक कुमार मित्तल इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री राज पांडे जी, श्रीमती अंजना सुनील अग्रवाल जी इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री सुमित शर्मा जी, श्रीमती उषा देवी जी कश्यप इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री विजय तिवारी जी, श्रीमती मीरा देवी रामजी लाल इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री आयुष शुक्ला जी, श्रीमती माही तरुण वर्मा जी इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री शिवम वैष्णव जी, श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव वीरेंद्र बहादुर कश्यप इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री राम मिश्रा जी, श्रीमती दक्षा कीर्ति संचला कश्यप इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री सतीश द्विवेदी जी, श्रीमती भावना सतीश नीमकर इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री परमेश्वर जी, श्रीमती अमांडा रायन सहानी इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री रमाकांत जी, श्रीमती शीला आशीष व खंडू भाई मेहता इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री जन तिवारी जी और रवि लोंगानी इनकी तरफ से पाठ कर रहे हैं श्री गौर कृष्ण दास जी। जो यहाँ पर जजमान बैठे हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने तो प्रणाम कर ही लिया होगा, भागवत जी का पूजन भी उनकी तरफ से हो गया होगा, और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ जजमान बैठे हैं वो प्रतिदिन पूजन करेंगे और दान दक्षिणा के द्वारा अपने व्यास जी को जो आपका अनुष्ठान करें आपके पितरों की तृप्ति के लिए तो उनका पूजन भी करें, भागवत जी का पूजन करें, दान दक्षिणा सेवा आदर मान सम्मान से श्रद्धा से उनको संतुष्ट करें। ये संतुष्टि पहुँचेगी आपके पितरों के पास, ब्राह्मण के संतुष्ट होते ही आपके पितर संतुष्ट होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जो अब तक आपके प्रतिकूल थे वो अनुकूल हो जाएंगे, आपके पितरों को भी विप्र देवताओं की संतुष्टि वहाँ पहुँचेगी, उनको संतुष्ट करेगी और वो आपको अपने कृपा प्रसाद से लाभान्वित करेंगे। और जो यहाँ
नहीं आए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कम से कम अमावस के दिन अंतिम दिन सुबह यहाँ पहुँच जाएं। भागवत जी का मूल आप अपने हाथों से श्रद्धापूर्वक प्रणाम निवेदन करेंगे, पूजन करेंगे, विप्रदेव का पूजन करेंगे और उसके बाद हवन में भी पितृश्वरी हवन यज्ञ होगा, उसमें भी आप अपने हाथों से आहुति डालेंगे और साथ ही यहाँ से गाड़ी जाएगी अमावस के दिन यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर गया कुंड पड़ता है जिसका आवाहन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। समस्त तीर्थों का आवाहन नंद बाबा के लिए किया था क्योंकि नंद बाबा ने ये मन्नत मानी कि मेरे घर में संतान हो तो मैं समस्त तीर्थों का के दर्शन करूंगा, स्नान करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है और तैयारी करते हैं समस्त तीर्थों में स्नान की, तो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं समस्त तीर्थ हमारे ब्रज मंडल में निवास करते हैं, बाबा आपको ब्रज छोड़ करके कहीं भी अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। तो यहां भगवान ने समस्त तीर्थों का आवाहन किया। इसी प्रकार उस आवाहन के दौरान भगवान ने गया तीर्थ का भी आवाहन किया ब्रज में। तो ये तीर्थ कहाँ है गया जी? ये कामक क्षेत्र में जिसको आजकल कामा कहते हैं है ब्रज के अंदर ही। ब्रज भूमि तीन स्टेटों में है, एक है हरियाणा, मूल है उत्तर प्रदेश और कुछ भाग ब्रज भूमि का राजस्थान में है। तो जो भाग राजस्थान में है ब्रज भूमि का, उस क्षेत्र में राजस्थान में ये कुंड पड़ता है गया कुंड। तो अंतिम दिन आप सब गाड़ियों के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है, राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की तरफ से गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। आप सब गाड़ियों के द्वारा जाएंगे गया कुंड में, वहाँ अपने पितरों के लिए आप पिंड दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे और उनको विदा भी करेंगे।